एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मैं अभी तक ला रही थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेके आई हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके इंटरनेट और जीआईसी लेक्चरर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि फर्स्ट टाइम है चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब शेयर, और वीडियो अच्छा लगे और कोई क्वेरी एंड सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकारवाद का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? जो प्रकारवाद है उसका जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 19वीं सदी में। प्रकारवाद का आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जो समाजशास्त्र में प्रकारवाद का जो प्रयोग है किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो ऑप्शन हमारा अगस्त कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकारवाद को व्यवस्थित एवं एक वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में प्रयुक्त किए जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आई होप सबको पता होगा वैज्ञानिक रूप किसने देना चाहा था जो प्रकारवाद को व्यवस्थित रूप में एक वैज्ञानिक अवधारणा के रूप में जो प्रयोग किया है वैज्ञानिक तरीके से, उसका श्रेय किसको जाता है? तो ऑप्शन बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है इमाइल लिफकिन। इन्होंने ही समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित रूप से स्टडी की, बताया और इसे वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। वैसे तो ऑगस्ट कॉम्ट ने भी इन्हें वैज्ञानिक रूप देना चाहते थे, लेकिन व्यवस्थित रूप से सही तरीके से तो दुर्खिम जी ने इसे प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा समाजशास्त्री था या समाजशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार की अवधारणा को लक्ष्य और प्रयोजन के अर्थ में प्रयोग किया? तो लक्ष्य और प्रयोजन के अर्थ में किस विचारक ने समाजशास्त्र को प्रयोग किया है? तो वो ऑप्शन बताइए। तो आंसर हमारा है ए, इमाइल डर्खाइम। तो इन्होंने किया था लक्ष्य और प्रयोजन के अर्थ में समाजशास्त्र का प्रकार्य का, समाज के जो प्रकार हैं उसका प्रयोग। दुर्खिम के प्रकारवादी विचारकों को अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री जगत में फैलाने का श्रेय किसको है? अब जो दुर्खिम के प्रकारवादी विचार हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री जगत में किसने फैलाया था? ऑप्शन दिए हुए हैं, गैस करिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो है हमारा बी, मेलिनोवस्की और फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र में उपागम संरचनात्मक प्रकारवाद को प्रश्रय देने वालों में किन विद्वानों ने विशेष भूमिका अदा की? तो कौन से विद्वान है वो? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर डी राइट है, मर्डन है और पार्सन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेविश ने किस सन में आयोजित समाजशास्त्री डेविश ने किस सन में आयोजित अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद में भी प्रकारवाद का बड़े जोखिम रोस से बचाव किया था? तो जो हमारे डेविश जी थे उन्होंने प्रकारवाद का मतलब प्रकारवाद का अस्तित्व जा रहा था, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो इसे जो बनाए रखने के लिए इसे कहाँ पे किस सन में बचाव किया था? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो परिषद था अमेरिका का जो परिषद था समाजशास्त्री परिषद उसमें उन्होंने बचाव किया था, तो वो सन था ऑप्शन बताइए। ऑप्शन हमारा ए राइट है, 1959 में। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ पॉवर्टी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन हमारा राइट है वो है बी, हर्बर्ट जे गेंस। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ पॉवर्टी किस सन में छपी थी? तो उसका सन बताइए कब छपी थी ये। तो ये छपी थी जो 1972 में। नेक्स्ट है, प्रकारवाद सिद्धांत की अवधारणा है जिस पर उपागम टिका हुआ है, तो किस पर टिका हुआ है, कितने हैं वो? तो वो है हमारे
प्रकारवाद के सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, उसमें जो उपागम हैं, अप्रोचेस, वो हैं 6। कौन कौन सी हैं? जैसे प्रकार है, अकार्य है, दुष्प्रकार्य हैं, प्रकट और प्रच्छंदक प्रकार्य है, और बहुप्रकार्य है, प्रकारात्मक विकल्प हैं, प्रकारात्मक समतुल्य, प्रकारात्मक अनुकल्प, प्रकारात्मक पूर्वावक्ष आवश्यकताएं, पूर्वावश्यकताएं और व्यवस्थाओं की आवश्यकताएं, समायोजन एवं एकीकरण, ये सभी चीज़ें आती हैं उपागम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन कौन सन था जिसमें प्रकारवाद पर कई ढंग से प्रहार किए गए थे, मतलब तो कौन सा सन था? तो ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा आंसर है 1960। नेक्स्ट है, कब घटनाओं की व्याख्या और समझ की विचारधारा के रूप में प्रकारवाद का लोप हो गया था? एक समय था जहाँ जब प्रकारवाद को विलुप्त की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो इसे फिर से यूज़ करने के लिए, फिर से इसे प्रयोग में लाने के लिए कुछ विचारक जो इसके सपोर्टर थे, जो अनुयायी थे, उन्होंने इसे पुनः नव प्रकारवादी के रूप में प्रस्तुत किया था। तो ये लोप जब हुआ था, कब हुआ था, ऑप्शन बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन हमारा ए राइट है, 1970 से 1980 के दशक तक। नेक्स्ट है, संघर्ष सिद्धांत को व्यवस्थित करने तथा उसे एक रूप प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है? संघर्ष, तो आपको सभी को पता होगा कि इसमें ऑप्शन क्या राइट होगा, तो कार्ल मार्क्स जी हैं हमारे जो संघर्ष की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघर्ष का प्रकारवादी सिद्धांत विचारकों को अनुमोदन करता है, तो कौन करता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन हमारा है ए, सी मेल जी, ए राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प दिए हुए, संघर्ष सर्वव्यापक है, समाज मूलतः अस्थायी है, सामाजिक परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं, उपयुक्त सभी। तो सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प जो है हमारा वो है डी, ये सभी सही हैं, उपयुक्त सभी। विनिमय के प्रमुख रूप हैं, विनिमय के प्रमुख रूप कितने हैं? विनिमय, आदान प्रदान, वो हैं हमारे 3। विनिमय के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से? दिन प्रतिदिन की वस्तुओं का विनिमय, दूसरा है संदेशों का विनिमय या संप्रेषण की जो संचार और ये जो भावना होती है वो, और समूहों के बीच स्त्रियों का विनिमय। नेक्स्ट है, आधुनिक विनिमय सिद्धांत के विकास का श्रेय सामान्यता को दिया जाता है, तो आधुनिक जो समय है उसमें विनिमय सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है, उपयुक्त सभी, आंसर हमारा डी राइट है, थीबॉग कैली होम्स। नेक्स्ट है, होम्स ने अपने एक लेख सोशल बिहेवियर एज एक्सचेंज में किस सन में लिखा है कि व्यक्तियों के मध्य जो अंतःक्रियाएं होती हैं वे कोई ना कोई भौतिक अथवा अभौतिक वस्तु के विनिमय का रूप लिए होती हैं? तो ये कब लिखी थी होम्स ने? ये लिखी थी 1958 में। नेक्स्ट, वह प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने सन 1925 में अपने एक लेख द गिफ्ट में और ध्यान आकर्षित किया? तो वो थे हमारे मार्शल मास, भी आंसर हमारा राइट है, मार्शल मास। नेक्स्ट है, मानव शास्त्री विनिमय सिद्धांत के प्रमुख रूप हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो है हमारा डी 2। कौन कौन है? उपहार विनिमय और पुनर्वृत्तिकरण विनिमय। नेक्स्ट है, होम्स के अतिरिक्त विनिमय सिद्धांत के प्रति किसका योगदान महत्वपूर्ण है?
विनिमय। आई होप सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। पीटर ब्लाउ, अतिरिक्त विनिमय सिद्धांत, अतिरिक्त विनिमय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत को भी वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो राइट है हमारा ए, अन्य दो रूपों में। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है, आंसर हमारा जो होगा वो है, बताइए। तो आंसर हमारा जो है वो है सी, सांकेतिक, सांकेतिक अंतःक्रियावाद, सिंबल, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन। आगे देखते हैं 24। निम्नलिखित में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं विशेषता? ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए फटाफट। तो आंसर जो हमारा है वो है डी, उपयुक्त सभी। अब कैसे हैं देखते हैं, पढ़ लेते हैं। विचार करने की क्षमता का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। अन्य प्राणियों से भिन्न मानव में विचार करने की क्षमता निहित है। सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान लोग अर्थ और प्रतीकों को सीखते हैं। तो 25 क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं अवधारणाएं जो हैं? आंसर हमारा डी राइट है, उपयुक्त सभी। विचार है, अंतःक्रिया है और मन। तो आज के हमारे ये 25 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की क्वेश्चन लेके आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच। यदि कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मैंशन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।